नमस्कार, मैं सुनैना सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ डीके करियर क्लासेस में। और जैसे कि हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी नंबर्स के ऊपर, संख्या पद्धति के अंदर की संख्याएं क्या होती हैं, फिर संख्याओं के प्रकार को डिस्कस किया था हमने। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, कुछ रूल्स थे, कुछ नियम थे, वो हमने डिस्कस किए थे अभाज्य संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में। तो इस क्लास में हम लेकर के आए हैं गुणनखंड संख्या पद्धति के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुणनखंड होते क्या हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 32, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि हमने इसको तोड़ दिया। तो गुणनखंडों के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 32 के जो गुणनखंड हुए 2, 4, 8, 16, 32, 1, ये सारे क्या हैं, इसके गुणनखंड हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि हम गुणनखंडों की आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें जो हमारा मूल राशि है वो हमें प्राप्त हो जाती है। आई होप गुणनखंड क्या है ये क्लियर हुआ होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देने योग्य बातें, जैसे कि जो एक है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो एक संख्या को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, यानी प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2 ले लीजिए, तो 2 के गुणनखंड क्या हुए, 1 और 2। 3 के गुणनखंड क्या हुए, 1 और 3। यानी कम से कम अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं, 2। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक संख्या में 1 को छोड़कर एक एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका एक ही गुणनखंड होता है, स्वयं 1। इसी तरह से अगर हम बात करें तो प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं, गुणज यानी कि मल्टीपल्स। प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं, अनंत गुणज होते हैं, गुणज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2 के गुणज क्या हो गए, 2, 4, 6, ये सब क्या है, 2 के गुणज हैं। चौथी जो बात है ध्यान देने योग्य वो ये है कि प्रत्येक संख्या का न्यूनतम गुणज वह संख्या स्वयं होती है, या प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज क्या होगा, स्वयं वह संख्या होगी, स्वयं वह संख्या
बात करें, चलिए तीन ले लेते हैं, तो तीन का जो सबसे छोटा गुणज क्या होगा? तीन होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक, आप इसके अनंत गुणज निकाल सकते हैं। ये सारी कुछ चीजें थी जो हमें स्टार्टिंग में ध्यान रखनी है गुणनखंड के अंदर। संख्या पद्धति के अंदर गुणनखंड पढ़ रहे हैं हम लोग, और गुणनखंड के अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ से काफी प्रश्न देखे गए हैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई संख्या है n और इसके जो गुणनखंड है ए बी सी है और ये n की घात हो गई, a की घात p, b की घात q और c की घात r। जहां पर अगर हम बात करें तो ए बी सी क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। और पी क्या है? समभाज्य गुणनखंड है। और क्यू और आर क्या है? आपके विषम अभाज्य संख्या या विषम अभाज्य गुणनखंड कह दें। अब अगर हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है यहां पर, तो इसका जो सूत्र होगा पी प्लस वन क्यू प्लस वन और आर प्लस वन। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वहां से काफी कुछ क्लियर होगा। अगर हम सम गुणनखंड निकालेंगे, केवल सम गुणनखंडों की संख्या, तो हम यहां पर p प्लस वन है, यहां केवल p रखेंगे, p मल्टीप्लाई बाय q प्लस वन और r प्लस वन। और अगर हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, अगर विषम गुणनखंडों की संख्या आप निकालेंगे तो ये रहेगी q प्लस वन और r प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, प्रश्न की सहायता से चलिए इसको समझते हैं। 60 में कुल गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या की संख्या पूछ रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 के गुणनखंड कर लेंगे, दो तिया छः, दो एकम दो, दो पंजे दस, तीन पंजे पंद्रह और ये पांच एकम पांच। एक तो ये तरीका है कि हम ऐसे गिने एक दो तीन चार, इस तरह से पूरे इसके जितने भी गुणनखंड आएंगे उनको करें, या फिर हम यहाँ पर सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हुआ दो की घात दो गुणा तीन की घात एक गुणा पांच की घात
एक। अब अगर हमें कुल गुणनखंड निकालने हैं, कुल गुणनखंड इंग्लिश में कहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारी सम अभाज्य संख्या है उसकी घात कितनी है, दो, यानी दो प्लस वन। विषम अभाज्य संख्या है तीन, यानी कि वन प्लस वन। पांच, यानी कि वन प्लस वन। दो और एक तीन, एक और एक दो, एक और एक दो। तो तीन दुनी छह, छह दुनी बारह, यानी टोटल बारह गुणनखंड होंगे। अगर हम साठ के टोटल गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे, बारह। इसी तरह से अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे यानी द टोटल इवन नंबर्स, तो अगर सम की संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम पहले करते थे यहां पे, ये p है यानी दो गुणा वन प्लस वन, और ये आपका वन प्लस वन। तीन की घात एक है तो एक प्लस एक, पांच की घात एक है तो एक प्लस एक। यानी कि अगर हम देखेंगे तो एक और एक दो, एक और एक दो, दो दुनी चार दुनी आठ, यानी आठ गुणनखंड जो है वो हमारे सम गुणनखंड हैं। अब अगर हम निकालेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की अगर हम संख्या निकालेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि विषम अभाज्य क्या है हमारा, तीन है और पांच है। तो तीन की घात है एक, यानी कि वन प्लस वन, और पांच की घात भी है एक, यानी कि वन प्लस वन। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हुआ दो, और ये भी हुआ आपका दो, तो दो और दो हो गए आपके चार। हमारे विषम गुणनखंडों की संख्या सही है कि नहीं इसको हम चेक भी कर सकते हैं। यदि हम देखें तो सम और विषम दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आठ और चार मिलकर के हो जाता है बारह, और बारह क्या है, हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या है। ये एक क्रॉस चेकिंग तरीका था। इस तरह के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए मैंने आपको ये चीज क्लियर की। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की गुणनखंड के अंदर, तो दूसरा जो टॉपिक है जहाँ से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर, वो है कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई संख्या है m, जैसे हमने पहले बात की थी, तो a, b और c ये उसके अभाज्य गुणनखंड हैं, और मान लीजिए a की पावर है 3, b की पावर है 2 और c की पावर है 1। तो अगर ये कंडीशन आती है तो हम टोटल गुणनखंड जो है उनका योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे हम सूत्र का यूज करके कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग अब देखिए यहां पर a की पावर है 3, a की घात है 3, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो a की घात 0 प्लस a की घात 1 प्लस a की घात 2 प्लस a की घात 3। फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू करेंगे, b की घात 0 प्लस b की घात 1 प्लस b की घात 2। c की बात अगर हम करेंगे, c की घात 0 प्लस c की घात 1। इस तरह से हम लेकर के चलेंगे, सीधे एग्जांपल पे आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 60 संख्या के, 60 संख्या के कुल गुणनखंडों का योग याद कीजिए।
कुल पूर्ण खंडों का योग, यानी द सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो सीधी सी बात है, अगर हमने 60 को जैसे कि पहले हमने किया था, 2 × 6 = 15, 3 × 15 = 5, 1 = 5, यानी कि 60 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 = 3 × 1 × 5 = 1। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। चलिए करते हैं, 2 × 0 + 2 × 1 + 2 × 2, इसी तरह से 3 × 0 + 3 × 1। अगर हम बात करेंगे 5 × 0 + 5 × 1, यानी 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की घात 1 यानी कि 2, 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4। इसी तरह से 1 + 3 और 1 + 5, यानी कि अगर आप देखोगे तो 2 और 1 = 3 और 4 = 7, 4 × 6। तो अगर आप हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 24, तो अगर 7 × 24 करेंगे यहाँ पर तो ये आपका जाता है 168, यानी कि इसके कुल गुणनखंडों का अगर हम योग निकालेंगे तो वो होगा 168। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे जैसा हमने पहले किया था कि यहां पर अब हम क्या करेंगे, 2 की घात 2 था ना, तो यहां पर हम 2 की घात 0 वाला ये जो टर्म है ये गायब कर देते हैं, तो सीधे हम लिखते हैं 2 की घात 1 + 2 की घात 2, और यहां पर हम लिखेंगे 3 की घात 0 + 3 की घात 1, यहां पर हम लिखेंगे 5 की घात 0 + 5 की घात 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 + 4, ये आ गया 1 + 3, ये आपका आ गया 1 + 5। तो अब अगर ये देखेंगे तो ये हुआ 6 × 4 × 6, तो ये हो गया आपका 6 × 24, तो 6 × 24 का 4 यहां से लगे 2 और 6 × 2 = 12 और 2 = 14, यानी 144 जो हो गया वो हो गया आपका सम गुणनखंडों का योग। इसी तरह से अगर विषम गुणनखंडों का हम योग निकालेंगे, 60 में जो विषम गुणनखंड है उनका अगर हम योग निकालेंगे, विषम गुणनखंडों का योग, तो इसके लिए हम करेंगे विषम गुणनखंडों को ही लेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, तो ये आपका हो गया 1 + 3 और ये हो गया आपका 1 + 5, 3 और 1 = 4, 5 और 1 = 6, यानी कि अगर आप देखो तो 6 × 24। एक और तरीका, सम और विषम गुणनखंडों का अगर आप योगफल भी जोड़ोगे तो 4 और 4 = 8, 4 और 2 = 6, यानी 168 आ रहा है, जो कि यहाँ पर हमारे कुल गुणनखंडों का योगफल है। ये दूसरा पॉइंट था जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक और आता है गुणनखंड के अंदर,
कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कि कोई भी संख्या है, नंबर दे रखा है, उसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं वो हमको ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड करते समय जिन भी विभाजकों का हम प्रयोग करते हैं वो सारे विभाजक होंगे आपके अभाज्य गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें कि 5400 में या 5400 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसकी संख्या अगर हमको निकालनी है, तो जैसे कि अगर हम 2 से करेंगे तो 2 दुनी 4, 2 सत्ते 14, फिर आए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 2 से आए तो 2 छन 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब अगर हम इसको देखेंगे तो 3 से करेंगे, 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 दुनी 6 और 3 पंजे 15, अभी आ गया 5 से, 5 25, 5 एकम 5। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो सारे हैं ये सब क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अगर हमें बात करूं तो 5400 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 2। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे तो कुल अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड जो होंगे हमारे पास वो होंगे 3 + 3 + 2, यानी कि हो गए आपके 8। अगर हम कुल सम अभाज्य गुणनखंडों की बात करेंगे, कुल सम अभाज्य गुणनखंड, सम अभाज्य गुणनखंड, कुल सम अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करें तो जो सम गुणनखंड है वो है आपका 2 और 2 की घात कितनी है 3। तो टोटल जो सम अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो गए आपके 3। इसी तरह से अगर हम कुल विषम अभाज्य गुणनखंडों की बात करेंगे, कुल विषम अभाज्य गुणनखंड, कुल विषम अभाज्य गुणनखंडों की अगर हम बात करेंगे तो विषम गुणनखंड हमारे पास क्या है, 3 है और 5 है। तो 3 की घात कितनी है 3 और 5 की घात कितनी है + 2, यानी कि टोटल जो विषम अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हमारे पास होंगे 5 गुणनखंड। इसके अतिरिक्त जो गुणनखंडों के प्रकार होंगे, यानी अभाज्य गुणनखंडों के प्रकार या भिन्न भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, भिन्न अभाज्य गुणनखंड, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की जो संख्या होगी, भिन्न भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी अगर आप देखोगे तो टोटल कितने हैं, एक तो 2 है 3 है और 5 है, यानी कि टोटल जो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी हो गई आपकी 3। यहाँ से ये 4 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। एक और आता है, एक और तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बात करूं जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं 12 की घात 3, क्वेश्चन नंबर 2, गुणा 10 की घात 2, गुणा 9 की घात 3। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इस तरह में आप में कुल गुणनखंड
गुणनखंडों की या कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 के जो गुणनखंड हुए, 2 × 2 × 3, इसकी घात 3 हो गई। 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 × 5, इसकी घात 2 हो गई। 9 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 × 3, इसकी घात 3 हो गई। अगर हम इन सबको अलग कर लें तो ये हुआ 2 × 2 × 3 / 3, 2 × 5 / 2। पूरे स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं जिससे समझने में कोई दुविधा ना हो। 2 / 3 ये हो गया आपका 2 / 6, ये हुआ आपकी 3 / 3, ये हुआ 2 / 2, ये 5 / 2, और ये हुआ 3 / 2 × 3। यानी 2/6 और 2/2, 2/8 हो गया, 3/3 और 2 × 3 = 6, यानी 3/9 हो गया, और ये हो गया 5/2। अब आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं कुल गुणनखंड जो होंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड जो होंगे क्लियर दिख रहा है। 8 + 9 + 2, यानी कि अगर हम बात करें तो कितने गुणनखंड होंगे इसके, 9 × 2 = 11 और 8 = 19। अगर सम अभाज्य गुणनखंडों की बात करें, कुल सम अभाज्य गुणनखंड, कुल सम अभाज्य गुणनखंड, कुल सम अभाज्य गुणनखंडों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सम अभाज्य है वो क्या है, 2 है, और 2 की घात कितनी है, 8, यानी कि टोटल 8 जो है वो आपके सम अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इस नंबर के। आगे अगर हम बात करें कुल विषम अभाज्य गुणनखंडों की, कुल विषम अभाज्य गुणनखंडों की, कुल विषम अभाज्य गुणनखंडों की, तो ये अगर हम देखें तो 3 और 5 ये दोनों कैसे हैं आपके, विषम अभाज्य गुणनखंड हैं। तो टोटल संख्या अगर हम देखेंगे तो 3 की घात है 9, 5 की घात है 2, यानी ये हो गए आपके 11। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर मैं बात करूं कि कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में छोड़ सकते हैं, बाकी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिकतर बच्चों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो पाए। बाकी जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।